इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी तो गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए हुआ बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूं बेनजीर हाशमी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये तीन बातें। 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। इस साल युवाओं को रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ज्यादा रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें और देश के 75वें बजट में ये ऐलान किए हैं, वो भी तब जब अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बुधवार को यानी आज 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में देश को भरोसा दिलाया है कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जब पूरी दुनिया कोरोना से युद्ध के चलते मंदी की राह पर थी, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले बहुत मजबूत थी। 8 साल बाद भी छूट की सीमा बढ़ाने पर भी मंत्री निर्मला ने जिक्र किया और कहा, अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा और ये छूट सिर्फ नए टैक्स रिजिम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 और ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-2015 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में टीवी सस्ते होंगे, पुर्जों पे कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है, मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, हीरो की कीमत में भी कमी होगी, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर भी ड्यूटी कम की गई है, लेकिन सिगरेट शौकीन के लिए टैक्स 16% बढ़ा दिया गया है, मतलब सिगरेट महंगी हो गई है। बात करें आभूषण की तो चांदी से बने आभूषण भी महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी इन पर भी बढ़ाई गई है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।